हेलो एवरीवन वेलकम टू टारगेट आई एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गियर्स एंड होपफुली हम दो लेक्चर में ख़त्म करेंगे इसको एंड uh, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी विल कवर इट एज पर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट सो अ ड्राइव यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन सो गेयर इज़ यूज इन अ ड्राइव सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइव बेल्ट ड्राइव हो सकता है गेयर ड्राइव हो सकता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ड्राइव जैसे ये uh, होता है ठीक है uh, ये जो सिस्टम्स हैं कभी कभी हम लिक्विड uh, भी यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए जैसे uh, जो हम ब्रेक सोइल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम जो पावर ट्रांसमिशन और जो फोर्स ट्रांसमिशन है वो थ्रू ऑयल हो रहा है राइट सो so, वैसे ही गियर जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू है एंड गियर का डेफिनेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गियर्स लगभग सब ने ही देखा होगा बचपन से जो हम छोटी छोटी गाड़ियाँ देखते हैं छोटे छोटे जो टॉयज़ होते हैं उसमें से लेकर बड़े बड़े ट्रक शिप्स जेट एरोप्लेन जस्ट नेमा मशीन और वहाँ पर गेयर्स होते हैं राइट क्योंकि पावर ट्रांसमिशन एक बेसिक फ, आ, चीज़ है न किसी भी मशीन के लिए सो so, यहाँ पर जो है अ गेयर पेयर इज़ मेड अप ऑफ टू गेयर सो बॉडी वन एंड बॉडी टू और हम कभी भी दो सिलेंडर अभी हम ले कर देख रहे हैं सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट है वो एक पॉइंट कॉन्टैक्ट है ओके सो एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इफ़ यू सी ना सो जो विलोसिटी है बॉडी uh, वन की वो आर वन ओमेगा वन होगी वेर ओमेगा वन इज इट्स रोटेशनल रोटेशनल वेलोसिटी एंड आर टू ओमेगा टू इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट दिस लेट्स से दिस पॉइंट इज पी ऑफ बॉडी टू तो ये दोनों सेम होनी चाहिए फॉर प्योर रोलिंग प्योर रोलिंग कंसेप्ट आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा फॉर प्योर रोलिंग विथ नो स्लिपिंग प्योर रोलिंग का मतलब ये होता है कि स्लिपिंग नहीं होगा रोलिंग प्लस स्लिपिंग है रोलिंग प्लस स्लिपिंग तो वहाँ पर आर वन ओमेगा वन इज नॉट इक्वल्स टू आर टू ओमेगा टू होता है ठीक है पर यहाँ पर हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं सो इन प्योर रोलिंग आर वन ओमेगा वन इज इक्वल्स टू आर टू ओमेगा टू तो जब हम इसको रीअरेंज uh, करेंगे तो ओमेगा वन बाई ओमेगा टू इक्वल टू आर टू बाय आर वन और ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि आर टू बाय आर वन इज़ कॉन्स्टेंट हम किसी भी uh, जो सॉलिड बॉडी है उसका रेडियस uh, तो बार तुरंत चेंज नहीं कर सकते ना ऑफ कोर्स यू कैन चेंज इट बाय डूइंग मशीनिंग प्रोसेस बट ऐसे जनरली हमेशा नहीं कर सकते हैं। राइट right? कि गाड़ी खड़ी है आप दूसरा गियर लगा रहे हैं ऐसा नहीं होता राइट सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट सो हेयर फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन स्टैटिक है क्यों स्टैटिक है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं है अगर स्लिपिंग होगा तो यहाँ पर डायनेमिक फ्रिक्शन आएगा और डायनेमिक फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होता है एंड स्टैटिक फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस नहीं होता तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस भी नहीं है ओके okay? सो so, जो ये तो हमें पता ही है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो जीरो टू म्यू एन तक वेरी करता है तो ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है आफ्टर ऑल दोज ड्राइव्स इन विच स्लिप फिनोमिना इज पॉसिबल इज नेगेटिव ड्राइव बेस्ट एग्जाम्पल इज बेल्ट ड्राइव जो हमारा फ्लोरमिल होता है कुछ इस टाइप का होता है राइट और यहाँ पर स्लिपिंग हो जाती है यहां पर स्लिपिंग होती है राइट आपने देखा होगा कभी बेल्ट काफ़ी पुराना हो जाए तो स्लिपिंग के चांसेस पॉसिबल हैं तो उसको नेगेटिव ड्राइव्स कहते हैं ओके सो इन केस ऑफ स्लिप मैंने जैसे आपको बताया आर वन ओमेगा वन इज नॉट इक्वल टू आर टू ओमेगा टू एंड ओमेगा वन बाई ओमेगा टू डज नॉट ओमेगा वन बाई ओमेगा टू इज नॉट कॉन्स्टेंट क्योंकि वहां पर ये वाली जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास ओके सो वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा एंड देर इज एन एनर्जी लॉस सो उस कंडीशन uh, में एनर्जी लॉस है बट हमें क्या पढ़ना है हमें प्योर रोलिंग कंडीशन पढ़नी है सो so हमें इस चीज़ के लिए uh, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है सो इन सम सिस्टम अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्रेसी वेरी हाई लेवल ऑफ एक्ूरेसी इज डिमांडेड फॉर द वेलॉसिटी रेशियो टू बी कॉन्स्टेंट इन पावर ट्रांसमिशन बेस्ट एग्जाम्पल है वॉचिस वॉचेज इफ यू सी ना सो हम वॉच एक बार सेट करते हैं हम रोज वॉच सेट नहीं करते हम एक बार वॉच सेट करते हैं फिर मुश्किल से जब बैटरी डाउन होती है तब तो हम फिर से वॉच को देखते हैं राइट तो वहां पर जो गियर रेशियो है जब हम पढ़ेंगे और जो हम बोल सकते हैं कि जो ओमेगा वन व ओमेगा टू है ओमेगा वन मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड इनका फिक्स है अगर ये वेरी करता गया तो भाई टाइम कैसे होगा जो डिफरेंट डिफरेंट वॉच हैं जैसे सब मान लो दस लोगों के पास वॉच है तो उसका जो रेशियो है अगर मैं बोलूँ ओमेगा वन इस टू ओमेगा टू टू ओमेगा थ्री ये सबका सेम होगा राइट नहीं तो हर एक की वॉच तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन मतलब अलग ही भागी किसी में एक बज रहा है किसी में दो बज रहा है किसी का जो वन आवर टाइम गैप है वो अलग है किसी का वो वन आवर टाइम गैप किसी का टू आवर टाइम गैप के बराबर है तो ये पॉसिबल नहीं है राइट नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सो so, इसलिए वॉचेस में बहुत प्रिसाइज टाइमिंग चाहिए होता है सो बिकॉज ऑफ दोज प्रिसन जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट के मुकाबले काफ़ी ज्यादा ज़्यादा होता है हंड्रेड टाइम्स तक ज़्यादा होता है ओके okay? So, ये इस टाइप के गियर्स होते हैं जो हम जनरली देखते हैं वेरियस इसके अलावा भी बहुत टाइप्स के गेयर होते हैं बट हम रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं सो इट इज अ बेसिक स्पर गियर ठीक है स्पर गियर ठीक है सो हेयर स्लिप इज इंपॉसिबल सो हम इसको पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं ओके सो नोन एज सो दिस इज नोन एज गियर ड्राइव स्लाइडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन डिथ विच लीड्स टू पावर ट्रांसमिशन लॉसेस बट देर इज नो स्लिपिंग स्लाइडिंग अब जैसे इसका मतलब क्या है स्लाइडिंग मैंने आपको बोला कि अभी तक तो स्लिप वगैरह हो नहीं रहा था देखो अगर हम इसको थ्री डी में देखें तो कुछ इस टाइप से होगा राइट अब इसके ऊपर एक बॉडी फिर से ऐसे होगी जो कि ऐसे होगी तो ठीक है कुछ ऐसे तो ये इस डायरेक्शन में स्लाइड हो सकते हैं इस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत ठीक है पर वो इस डायरेक्शन में स्लाइड नहीं होंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या बोला स्लाइडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन दिथ विच लीड्स टू पावर ट्रांसमिशन लॉसेज ऑफकोर्स वेन एवर इज देर इज स्लाइडिंग तो वहां पर फ्रिक्शन जनरेट होगा फ्रिक्शन के कारण हीट ट्रांस हीट जो लॉस होगा तो वो कहाँ जाएगा थर्मल लॉस वो ऑफ कोर्स जो हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं उसी में से लेगा सो देर इज सम ट्रांसमिशन लॉसेस बट देर इज नो स्लिपिंग स्लिपिंग के लिए ये डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है हमारा स्लाइडिंग के लिए ठीक है सो स्लिपिंग इज अ टाइप ऑफ स्लाइडिंग ओनली बट यहाँ पर डायरेक्शन का खेल है बस नाउ no. तो ये एक बेसिक हो गया यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन जनरली यहाँ पर एक ही आएगा कि इनके बीच में प्योर रोलिंग होता है यहाँ पर जो रेशियोज़ होते हैं वेलॉसिटी रेशियोज कॉन्स्टेंट होते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पर जनरली आपसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन किस टाइप का लगता है सो ऑफ कोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो इस टाइप की चीज़ें आइडियल कंडीशन है ओके okay? अब बहुत ही ज़्यादा घिसा हुआ गियर है गियर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब है पचास बीस तीस साल पुराना है तो थोड़ा बहुत स्लिपिंग ऑफ कोर्स स्लाइडिंग स्लिपिंग हो सकता है तो वहाँ पर एनर्जी लॉस भी होगा वहाँ पर इफिशेंसी डिक्रीज होंगी पर हमें उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना हम जो एक आइडियल केस हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं ना फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ गेयर और क्लासीफिकेशन ऑफ गेयर तो कुछ बेसिस होता है किसी को क्लासीफाई करने का सो एकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ शार्ट कनेक्टेड सो जैसे हम दिखाते हैं ये और एक गेयर है तो ये इसका एक्सिस है राइट right? तो so, अगर हम इसको टॉप भी फ्रंट uh, भी देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा जस्ट वेट अ मिनट सॉरी सो हेयर यू कैन सी बोथ एक्सिस आर पैरल राइट दीज टू एक्सिस आर पैरल सो और जो ये वाली लाइन होती है ना ये वाली लाइन इसको हम जनरेटिंग लाइन कहते हैं वाई जनरेटिंग लाइन देखो अब इसको मान लो मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ या यहीं एक ही देखते हैं पहले ये ये फर्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन अगर हम सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट करें तो हमारा जो गियर है कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये यहाँ पर आ जाएगा राइट अगर कोई इमेजिन आपको थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इमेजिनेशन थोड़ा चाहिए कुछ ऐसा बन जाएगा राइट जो गियर ये वन है गियर वन एंड गियर टू है या ए है गियर एंड गियर बी इनका रेडियस चेंज हो जाएगा सो जनरेटिंग लाइन जो इनके डायमेंशन है उसको थोड़ा सा डिफाइन करता है 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 ओके सो पर हम बोल सकते हैं ये है, ये है, ये है, ये ड्राइवर ड्राइवर ड्रिवन ड्रिवन तो कुछ भी हो सकता है राइट उसके बारे में बाद में बात करेंगे बट ड्राइवर उसको कहते हैं जिसमें पावर इनपुट आ रहा है ड्रिवन उस, उसको कहते हैं जिसमें पावर आउटपुट जा रहा है सो प्योर रोलिंग मोशन कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन टू सिलेंडर सर्फेस इन तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल सर्फेस है राइट यहाँ पर सिलेंड्रिकल सर्फेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये ये दोनों सिलेंड्रिकल सर्फेस है तो इस पोजिशन में दो टाइप के गेयर होते हैं फर्स्ट वन इज स्पर गेयर इन स्पर गेयर यू कैन सी ये स्टेप तरीके से रिप्रेजेंट रे, करते हैं ये जो है ना ये वाला पार्ट ये टिथ है ठीक है सो टिथ आर स्ट्रेट एंड पैरल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला सो यू कैन सी जो ये टिथ है ये पैरल है तो यहाँ पर जो फोर्सेस लगेगा जो टिथ के ऊपर वो इस डायरेक्शन में लगेगा सो यू कैन सी द फोर्सेस जो है जो रिएक्शन हम बोल सकते हैं क्योंकि जब कोई भी चीज जब कॉन्टेक्ट में आती है तो उसमें रिएक्शन आएगा सो जो दो टूथ के बीच में रिएक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन सो नॉर्मल रिएक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्रोफाइल और यू कैन से दिस इज प्रोफाइल ये प्रोफाइल के परपेंडिकुलर है और यू कैन से जो एक्सिस uh, है उसके परपेंडिकुलर uh, है सो so यहाँ पर हैं नो क्सियल फोर्स एक्सियल फोर्स यहां पर नहीं आएगा ठीक है एक्सियल फोर्स डायरेक्शन में आएगा ये तो रेडियल फोर्स हो गया ना ये axial है दिस इज एक्सियल सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक एंड दिस इज रेडियल ठीक है तो यहाँ पर एक्सियल फोर्स जीरो है एंड रेडियल फोर्स तो जीरो नहीं होगा ऑफकोर्स नहीं होगा ठीक है so सो यहां पर जो एंगेजमेंट है इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट मतलब मान लो एक टूथ है ये ठीक है ये कॉन्टैक्ट में है अभी वन पेयर जब ये कॉन्टेक्ट से जाएगा तो जब दूसरा कॉन्टेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस जाएगा अब आप इमेजिन करेंगे कि ये अगर ऐसे है तो यहां पर एक लाइन कॉन्टैक्ट है राइट यहां पर एक लाइन कॉन्टैक्ट है राइट तो इंस्टेंटेनियस है जहां पर भी इंस्टेंटेनियस पिक्चर आ जाता है ये देखो हम थोड़ा सा इमेजिनेशन को थोड़ा और अच्छा करते हैं जैसे ये वन uh, एक टूथ है और ये ऊपर उप, ये वाला टूथ है जस्ट ठीक है ये ऊपर वाला टूथ है ठीक है तो यहां पर ये जो है ये लाइन यहां पर लाइन कॉन्टैक्ट है सो तो जहां पर भी लाइन कॉन्टैक्ट है और इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट डिस है तो वहां पर इंपैक्ट आएगा ऑफकोर्स इंपैक्ट आएगा सो इंपैक्ट आएगा तो इंपैक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा और जो प्रोफाइल के फेलियर में लीड करता है अगर मैं बोलूं कि कोई भी जो चीज है या दोनों के बीच में जो एंगेजमेंट डिसंगेजमेंट हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस ना होकर ग्रेजुअल है तो वहां पर जब ग्रेजुअल एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट होगा तो वहां पर इंपैक्ट फोर्स कम आएगा राइट लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियसली देंगे तो वहां पर इंपैक्ट फोर्स ज्यादा आएगा अगर हम ऐसा बोलें कि यहां पर यह डायरेक्ट लाइन कॉन्टेक्ट आ गया अगर मैं बोलूं एक पॉइंट पॉइंट पर टच हो रहे फिर लाइन कॉन्टेक्ट में जा रहे हैं जैसे कि हेलिकल गेर में होता है हेलिकल गेयर में क्या होता है पहले पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है और फिर वो लाइन कॉन्टैक्ट में चेंज होता है तो वहां पर ग्रेजुअल एंगेजमेंट डिसंगेजमेंट होता है वैसा होता? क्यों होता है क्योंकि उसका प्रोफाइल उस तरीके से मेड किया गया है ओके okay? सो so आपको याद रखना है कि पर गेयर में नॉर्मल रिएक्शन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्रोफाइल एंड इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट एंड डिस लीड टू इंपैक्ट स्ट्रेसेस ऑन प्रोफाइल विच लीड्स टू फेलियर तो यहाँ पर नाइनटी नाइन परसेंट टाइम फेलियर इसके कारण ही होता है ओके okay? बट ये जो जनरली यूज अब आप बोलेंगे सर फेल होता है तो हम यूज़ क्यों करेंगे तो ये यूज़ होता है वेरी लो पावर ट्रांसमिशन एट वेरी लो स्पीड जनरली जो वॉचेस होते हैं अगर आप बहुत बड़े बड़े गियर्स देखेंगे जैसे कि जो हमारे शुगर केन मिल्स होती हैं वहाँ पर जो शुगर केन जूस वाला जो जनरली रोड साइड में आपको मिलता है वहाँ पर गेयर्स आप देखेंगे तो उस पर गेर यूज होता है क्योंकि वहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है जब स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है तो एंगेजेड एंगेजमेंट डिस इंस्टेंटेनियस है लेकिन स्पीड ज्यादा नहीं है तो जो इंपैक्ट आ रहा है वो कम आ रहा है तो इंपैक्ट स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो कम हो रहा है तो हम वहां पर करते हैं जैसे watches में watches में बहुत छोटे छोटे गेयर है हमें बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है पर हमें पावर ट्रांसमिशन बहुत मिनिमम रखना है वॉचेस में राइट हमें सिर्फ मोशन ट्रांसफर करना है सो वहां पर वहां पर क्या हो रहा है वॉचेस में स्पीड तो एक मेंटेन है राइट बट वहां पर पावर ट्रांसमिशन बहुत कम है पावर ट्रांसमिशन बहुत कम है तो इंपैक्ट कम है इंपैक्ट कम है तो इंपैक्ट स्ट्रेस कम है सिंपल सा फंडा ठीक है अब हेलिकल गेर में मैंने हेलिकल गेयर में क्या डिफरेंस है वहां पर हमने देखा स्पर गेयर में कि जो टीथ हैं वो पैरल टू एक्सिस हैं पर यहां पर ये इनक्लाइन है आइधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अब देखो राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड डिप हो रहे हैं ये आपके लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड डिप हो रहे हैं ओके सो ऑलवेज यहां पर है टिथ आर स्ट्रेट टिथ यहां पर स्ट्रेट है बट इनक्लाइन टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज अपोजिट हैंड हेलिकल गेयर आर इन कॉन्टेक्ट अब देखेंगे ये गेयर वन है ये गेयर टू है तो यहां पर ये यह देखिए ये अगर हम देखेंगे तो ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है राइट right? तो वो दोनों ही कॉन्टेक्ट में ऐसा नहीं है कि दो राइट right हैंड और दो लेफ्ट हैंड कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे ओके टू अवॉइड इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट एंड डिस तो हेलिकल गियर और स्पर्गियर में डिफरेंस का आ गया हेलिकल गियर एंड स्पर्गेयर में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट जो टिथ है वो इंक्लाइन है हेलिकल गियर में स्पर्गर में इंक्लाइन नहीं है सेकेंड यहां पर जो इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट डिस है वो नहीं है तो यहां पर क्या यहां पर ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड डिसेजमेंट है जिसके कारण इंपैक्ट फोर्स कम है जब इंपैक्ट फोर्स कम है तो हम इसको हाई स्पीड एंड हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं ओके okay? सो so, वो चीज आ गया यहां पर तो जनरली आप जहां पर भी हाई स्पीड देखेंगे जैसे कि आपकी जो व्हीकल्स होती हैं ठीक है थीके? तो जैसे जो कार का कभी इंजन आप खोल के देखेंगे कार कार का या बाइक का जो गियर बॉक्स खोल के देखेंगे तो वहाँ पर हेलिकल गियर्स होते हैं ठीक है मैं पुराने इसकी बात कर रहा हूँ आप ये मत खोलिएगा कि स्कूटी का खोल रहे हैं वहाँ पर भी हेलिकल गियर्स ही यूज़ होते हैं लेकिन वहाँ पर अभी नए नए इसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो मुझे वो नहीं पता मैं बेसिक इंजन की बात कर रहा हूँ ठीक है सो यहाँ पर लो इम्पैक्ट फोर्स है तो यहाँ पर ये जनरली यूज़ होते हैं ठीक है या वहाँ पर हैरिंग बोन गेर भी यूज हो सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे पर यहाँ पर एक दिक्कत है दिक्कत है कि यहाँ पर हैव एक्शियल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अब जैसे देखिए कोई भी जो फोर्स होता है वो प्रोफाइल के परपेंडिकुलर होगा दिस इज़ प्रोफाइल ऑफ द टूथ अ सिंगल टूथ तो उसके परपेंडिकुलर है जब हम इसको वाइफर्केट करेंगे फोर्स को तो एक एक्शियल जाएगा एंड एक रेडियल जाएगा अब एक्शियल में क्या होगा कि ये वाला जो फोर्स है इसको यहाँ मूव करने की कोशिश करेगा ये वाला फोर्स इसको यहाँ मूव करने की कोशिश करेगा सो वी हैव टू यूज़ यहाँ पर बेयरिंग्स यूज़ करनी पड़ेंगी एक्शियल बियरिंग्स जो इसको जो इसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सके क्योंकि बेयरिंग का काम ही होता है हमने मशीन डिज़ाइन में देखा था कि बेयरिंग का काम होता है जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना मोशन को ठीक है जो जैसे शाफ्ट के मोशन को या गियर बॉक्स के गियर जो माउंटेड है उसके जो एक्शियल मोशन को रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना राइट सो यहाँ पर जो ये हमें गियर यूज करने पड़ेंगे थोड़े तो वो ऑफकोर्स एक अब जो बेयरिंग uh, हम स्पर uh, गेयर में यूज़ करेंगे जो बेयरिंग हम हेलिकल गेर में यूज़ करेंगे दोनों में डिफरेंस है अब कौन सा महंगा होगा कोई भी लेमैन बताया कि जो हम यहाँ पर यूज़ करें वो बेयरिंग महंगा होगा सो ऑफ कोर्स ये जो हमारा गियर ड्राइव है ये थोड़ा सा महंगा होगा ठीक है यहाँ पर एक्शियल थ्रस्ट आएगा तो बट एक्शल थ्रस्ट आ रहा है पर हम जनरली 98 परसेंट टाइम ये यूज़ क्यों करते हैं 98 परसेंट मशीनों में ये यूज़ क्यों मिलता है क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा है लाइफ ज़्यादा क्यों है ये हाई पावर पे यूज़ कर सकते हैं हाई स्पीड पे यूज़ कर सकते हैं ठीक है बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट आएगा पर बेनिफिट ज़्यादा है तो हम जनरली ये यूज़ करते हैं ठीक है थीके? अब एक आता है डबल हेलिकल गेयर जिसको हम हैरिंग बोन गेयर कहते हैं अब हेरिंग डबल हेलिकल गेयर में क्या आता है कि एक्शल फोर्स आता है बट हम मैं एक ऐसा गेयर बना दूँ जिसका आधा पार्ट लेफ्ट हैंड है आधा पार्ट राइट हैंड है तो इधर इसमें फ़ोर्स लग रहा है इधर इसमें फोर्स लग रहा है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट मिनिमाइज हो गया अगर बिल्कुल ही 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 दोनों के बिल्कुल बिल्कुल तो तो वो zero हो जाएगा या बिल्कुल ही identical axial force लग रहा है दूसरे को तो कर देंगे लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता राइट यहाँ पर बोलते हैं एक्शियल ठीक है axial thrust is minimized. अब यहाँ पर जो ये वाला बीच वाला पार्ट है ये, जो ये वाला है, इसको हम टूल आउट बोलते हैं टूल स्पेस है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टूल अब एक टूल इधर आया और उसको तुरंत आप ऐसे नहीं मोड़ सकते क्योंकि टूल की विथ होती है तो एक पोजिशन पर रुक जाएगा फिर वहाँ से स्टार्ट करेगा दूसरे डायरेक्शन में टू टेक आउट द टूल अब यहाँ से यहाँ कट करेंगे तो बाहर लाने पड़ेगा या तो आप यहां से यहां जाइए तो वहां से आपको इस सेंटर से जाना पड़ेगा बट हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं फिर पुल आउट करते हैं ओके सो टू टेक आउट द टूल ये कॉस्टली होता है एंड दिस इज यूज फॉर हाई पावर एंड वेरी हाई स्पीड ट्रांसमिशन क्योंकि मैंने आपको बोला ना जैसे स्पीड बढ़ेगी एंड पावर ट्रांसमिशन जैसे बढ़ेगा तो एक्शियल फोर्स बढ़ेगा राइट एक्शियल फोर्स बढ़ेगा तो एक्शल फोर्स को कम करने के लिए क्या करेंगे हेरिमोन गेयर यूज करेंगे ठीक है तो थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन या थोड़ा पावरफुल मशीन में यूज होगा आप देख सकते हैं तो अभी हमने देख लिया कि जब दोनों एक्सिस आर पैरल बट इफ बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग तब क्या होगा यहां पर भी प्योर रोलिंग मोशन कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कॉनिकल सर्फेस यहां पर देखिए ये जो दो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग बट बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग बट यहाँ पर भी प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है तो ये वाली अगेन जनरेटिंग लाइन है जो जनरेटिंग लाइन क्या बना रही है कौन बना रही है ये कौन हो गया आपका ठीक है ये देखिए ये कौन है ठीक है तो ये यह यहां पर कॉर्निकल गेयर हो गया सो so, यहां पर टू कॉर्निकल सर्फेस इन कॉन्टेक्ट नोन एज बीबल गेयर तो इस टाइप के गेयर को हम बीबल गेयर कहते हैं ठीक है थीके? अब बीबल गेयर के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होंगे क्यों नहीं होंगे ठीक है तो बीवल गेयर का फर्स्ट टाइप होता है स्ट्रेट बीवल गियर तो इसका जो हम प्लान प्लान या टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप का होता है ठीक है दिस इज जस्ट लाइक अ स्पर गेयर अब स्पर गेयर है तो उसका आएगा कि हैव इम्पैक्ट स्ट्रेसेस क्योंकि अगर स्परगेयर के जैसा है तो स्परगियर की कुछ तो खूबी आ जाएगी ना तो इम्पैक्ट स्ट्रेस आएगा जीरोल बीवल गियर जीरोल बोलते हैं जीरोल जीरो हेलिकल गियर ठीक है जीरोल मतलब जीरो हेलिकल गियर तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बहुत छोटा एंगल होता है ये टिथ की बात कर रहा हूं मैं ये एक्सिस है ठीक है ये जो है आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और यह टुथ है ये तो थोड़ा सा ऐसे जाता है थोड़ा सा बहुत छोटा एंगल होता है ठीक है वेरी स्मॉल एंगल भी वेरी स्मॉल एंगल ताकि तो थोड़ा सा इंपैक्ट फोर्स को थोड़ा सा कम कर सकें ठीक है तो इसको जीरोल विवल हैियर आपको इसमें इतना ही पढ़ना है कि अगर कभी बोल दिया जाए कि वेरी स्मॉल एंगल इज प्रोवाइडेड इन विवल गियर तो उसको क्या बोलेंगे तो उसको हम जीरोल विवल बोलेंगे या बोलेंगे कि वेरी स्मॉल एंगल और वेरी स्मॉल इंक्लिनेशन इज प्रोवाइडेड इन अ गर क्सेस आर इंटरसेक्टिंग कौन सा होगा जीरोल बिवल गेयर इस टाइप के आ सकते हैं ना तो स्ट्रेट ये थोड़ा सा गलत आ गया नाउ okay? हेलिकल बीवल गेयर हेलिकल बीवल गेयर जो है आपका वो है सी टाइप ठीक है हेलिकल बीवल गेयर पहले हमने पढ़ा स्ट्रेट बिवल गेयर जीरोलो बीवल गेयर हेलिकल बीबल गेर अब हेलिकल बीबल गेर में जैसे कि हमने हेलिकल गेर पढ़ा था तो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड सो so, ये इसका प्लान है ठीक है ये राइट हैंडेड है तो राइट हैंड के साइड डिप हो रहा है ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड के साइड डिप हो रहा है ठीक है नाइन्टी टाइम यही यूज होता है मतलब अगर आप बीवल गेयर में यूज़ करेंगे सॉरी तो बीवल गेयर के अंडर जो जितने भी गेर हैं उनको कंपेयर करेंगे तो ठीक है और इसके एडवांटेज क्या होंगे एडवांटेज आर सिमिलर एज हेलिकल गेयर क्योंकि हेलिकल गेयर का ही बेटा है ना बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग जिसको हम हेलिकल हैलीकल्बिवल गेयर यूज करते हैं अब एक है मिट्रे गेयर या मित्रे गेयर जो भी आप बोल सकते हैं मिट्रे गेयर ओके सो दीज टू आर वेरी सिमिलर गेयर वाई वेरी सिमिलर गेयर बिकॉज इफ यू सी हेयर एक्सिस आर परपेंडिकुलर राइट एक्सिस आर परपेंडिकुलर अगर मैं इसको यहां कर दूंगा तो ये गेयर बनेगा ही नहीं ठीक है जो पावर ट्रांसमिशन है वो सही होगा ही नहीं तो इसलिए हम इसको ऐसे रखते हैं क्योंकि देखिए अगर मैं यहां करूंगा तो यहां पर फोर्स एक ऐसे जाएगा और एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा तो एक में ना बिल्कुल मतलब जो इंक्लिनेशन है दोनों के बराबर होना चाहिए नहीं तो जो एक्चुअल फोर्स है दोनों गेयर पर डिफरेंट डिफरेंट लगेगा ठीक है तो वो नहीं होना चाहिए राइट तो इसलिए जो हम ये जो जनरेटिंग लाइन होती है जनरेटिंग लाइन होती है वाली ये जनरली फोर्टी फाइव डिग्री बनाती है तो अगर ये फोर्टी फाइव डिग्री बनाएगी तो सिमिलर गेयर बनाएगी राइट right? तो यहां पर एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग इन नाइन्टी डिग्री सिमिलर गेयर आर यूज सो यहाँ पर जब सिमिलर गेयर है मतलब कि उसका डायमीटर भी सिमिलर होगा क्योंकि गेयर मेन डिफाइंड डायमीटर से होता है राइट सो ओमेगा वन बाई ओमेगा टू इज इक्वल्स टू वन वेरी सिंपल ठीक है तो यहां पर मिटरी गेयर नाउ द थर्ड टाइप इज बोथ एक्सिस आर नॉन पैरल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग ये बहुत कम यूज होता है मतलब यूज होता है सोफिस्टिकेटेड जगहों पे यूज़ होता है पर यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है अभी हमने जितने भी गियर देखे वहां पर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा था राइट यहाँ पर बोथ एक्सिस आर नॉन पैरल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग सो तो यहाँ पर प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल प्योर रोलिंग यहां पर क्या होगा रोटेशन प्लस पार्शियल स्लाइडिंग रोटेशन प्लस पार्शियल स्लाइडिंग इसको भी रोलिंग ही कहते हैं बट दिस इज नॉट अ प्योर रोलिंग प्योर रोलिंग का फंडा मैंने आपको बताया था ओमेगा वन बाय ओमेगा टू रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है सो so, यहां पर ड्यू टू स्लाइडिंग फॉर रोटेशन वी हैव टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन तो जहां पर भी स्लाइडिंग आ गया राइट right? स्लाइडिंग आ गया तो वहां पर फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया तो कभी भी फ्रिक्शन पिक्चर में है और आपको मोशन स्टार्ट करनी है सो यू हैव टू फर्स्ट ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन द सेम थिंग कम्स से अगर यहां पर स्लाइडिंग पिक्चर में है और मोशन स्टार्ट करना है दो गेयर के बीच में ठीक है तो so, वहां पर हमें पहले सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा सो स्लाइडिंग ठीक है तो यहाँ पर देखो ये जो गेयर होता है ना ये वाला ये स्क्यू लाइन है स्क्यू लाइन ठीक है और स्क्यू लाइन मतलब ये एंगल बना रही है इसके साथ ड्राइवर के साथ पर ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है तो ये जो है इसको हम हाइपर बोलाइड गेयर कहते हैं ठीक है हाइपर बोलाइड गेयर और दिस इज इसको ड्राइवर और ड्रिवन भी उसी टाइप का होगा तो इसको स्पाइरल गियर बोला जाता है या हाइपर बोलाइड गेयर तो कभी भी आपको स्पाइरल गेयर हाइपर बोलाइड गेयर स्क्यूबिवल गेयर दे आर द सेम गयर ठीक है स्क्यू लाइन और जनरेटिंग लाइन ना इधर पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक है और जो ये साई होता है यहाँ पर स्पाइरल एंगल होता है ठीक है सो साय फॉर ड्राइविंग गेयर एंड शाय मतलब यहाँ पर ड्राइविंग गेयर और ड्रिविंग गेयर तो डिफरेंस क्या है मैं ये आपको बताता हूँ देखो जो ड्राइविंग गेयर है उसका जो साई si है वो ऐसा होना चाहिए सो दैट शुड बी अबव सम मिनिमम वैल्यू सो साई ऑफ ड्राइविंग गेयर ड्राइविंग गेयर की बात करो शुड बी ग्रेटर देन सम मिनिमम वैल्यू वी कैन से मिनिमम वैल्यू टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन ये याद रखना है आपको ठीक है टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन अब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम ना कर पाऊँ तो क्या है अगर ओवरकम नहीं कर पाऊंगा तो वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये है कि क्या यहाँ पर दोनों जो गेयर पेयर हैं गेयर पेयर में जो दो गेयर हैं वहाँ पर साइवन uh, अगर साइवन एंड साइटू में बोलो तो दोनों सेम होंगे नहीं जरूरी नहीं सेम होंगे साइवन कैन बी ग्रेटर देन साई टू और इक्वल और लेस देन बट जो भी ड्राइविंग गियर है ड्राइविंग गियर है उसका साइवन इतना होना चाहिए कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके ठीक है सो ये यहां पर है सो इफ साई इज लेस देन मिनिमम वैल्यू सेल्फ लॉकिंग कंडीशन आ जाएगा पिक्चर में जैसे मैं हम सेल्फ लॉकिंग की बात करें सेल्फ लॉकिंग मतलब ये हो जाता है कि जो मोशन है वो अपने आप पॉसिबल नहीं है ठीक है या तो बहुत ही मतलब मोशन पॉसिबल ही नहीं है उन दोनों के बीच में ठीक है ना तो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन वो हो गई ना हाईपॉइड गियर हाईपॉइड गियर आपको इसमें सिर्फ ये थ्योरी थोड़ी, -थोड़ी पढ़नी है जो इसका मेन पार्ट आएगा इनके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है सो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन कब आती है वेन साइवन इज लेस देन सम मिनिमम वैल्यू राइट ना हाईपॉइड गियर हाईपॉइड गियर वो पार्ट है जैसे ये हमने देखा कि ये हाइपर बोलाइड गियर है राइट right? ऐसा कुछ बड़ा सा इसका एक छोटा सा पार्ट ले लूँ मैं इतना सा तो उसको मैं हाईपॉइड गियर यूज़ करूंगा सो वेन द स्पेस बिटवीन द शार्ट और ऑफसेट इज़ वेरी लेस देन सम पोर्शन ऑफ हाइपर बोलाइट इज यूज टू फॉर्म स्मॉल स्पायरल गियर नॉन एज हाई पॉइट गियर साय ऑफ हाई पॉइट गियर इज लार्ज वहां पर साय काफी लार्ज होता है एंड इट इज यूज एज अ ड्राइवर नॉट ड्रिवेन यहां पर ड्राइवर की तरह यूज होगा ठीक है अब इसका एक स्पेशल केस देखते हैं स्पेशल केस है वॉर्म एंड वॉम व्हील ठीक है बहुत हार स्पाइरल ठीक है वॉर्म का ये वाला पार्ट हमारा वॉर्म है ये जो पार्ट है ना ये वॉर्म है और ये वाला पार्ट वॉम व्हील है ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर अंतर क्या है वॉम इज हैव वेरी लेस डायमीटर इफ यू कंपेयर बोथ वॉम इज हैव लेस है वेरी लेस डायमीटर देन डायमी व्हील वेरी हाई स्पाइरल एंगल अगर स्पाइरल एंगल हाई है तो वह ड्राइवर तरह यूज करेगा क्योंकि साय शुड बी ग्रेटर देन सम मिनिमम वैल्यू यहां पर वेरी हाई हाई डायमीटर वॉम व्हील का लो स्पाइरल एंगल तो इसका जो साई है वो लेस देन मिनिमम वैल्यू है सो इट कैन नॉट बी एक्ट एज अ ड्राइवर सो इट एक्ट एज अ ड्रिवन So, अगर हम मोशन ट्रांसफर करना चाहें मोशन ट्रांसफर का ऐसा फंडा है कि वॉम से वॉर्म व्हील होना चाहे तो पॉसिबल है येस दिस इज पॉसिबल बट अगर मैं ऊप उल्टा कर दूं इट इज पॉसिबल कि वॉर्म व्हील से वॉर्म में जाना चाहे मोशन तो इज इट पॉसिबल नो दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो इसलिए यहां पर हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग कंडीशन आ जाती है वॉर्म व्हील ऐसे फेमस किस लिए फॉर वेरी हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो क्योंकि डायमीटर में डिफरेंस है राइट right? हम वार्म व्हील के बारे में देखेंगे भी कि कैसे ज़्यादा होता है इसका हम गियर uh, रेशियो भी पढ़ेंगे क्या क्या होता है आगे जाकर पर अभी आपको बस इतना याद रखना है कि इट इज़ फेमस फॉर वेरी हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो ऑल्सो यूज एज अ सेल्फ लॉकिंग क्योंकि सेल्फ लॉकिंग क्यों है क्योंकि मैं वार्म व्हील से वार्म में मोशन ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ ठीक है नाउ इट इज़ यूज इन गिटार एंड ऑल अदर वायर टेंस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर यूज़ होता है अब जो बी टाइप है हमने तो अभी एक्सिस के थ्रू देख लिया राइट right? कि एक्सिस पैरेलल है पैरेलल uh, नहीं मतलब नॉन uh, पैरेलल है इंटरसेक्टिंग है नॉन पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग है बट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग एक्सटर्नल गियर हो सकता है और इंटरनल गियर हो सकता है तो ये बहुत बेसिक है एक्सटर्नल गियर क्या होगा कि दोनों का जो टिथ है वो बॉडी से एक्सटर्नली है राइट right? सो so, इस टाइप से शो करते हैं हम उसको सो so, यहाँ पर जो बिगर है उसको गियर बोलते हैं स्मॉल को पिनियन कहते हैं एंड सेंस ऑफ रोटेशन इज़ डिफरेंट इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये ये देखो ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है ठीक है दोनों क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे बट यहां पर इंटरनल गियर में देख क्या देखेंगे कि यहां पर जो दोनों की एक्सिस ऑफ बोध गियर मे और मे नॉट बी सेम देखो यहां पर क्या होता है ऐसे हो सकता है कि ऐसे ही हो जाए गियर या तो फिर ऐसा हो यहां पर देखो एक्सिस दोनों का डिफरेंट है ठीक है तो ये मैं बोल रहा हूं बिगर इज़ नोन एज एनुलर और रिंगर स्मॉलर इज़ नोन एज पिनियन ठीक है यहाँ पर कॉस्ट इज हाई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट uh, इसका यह बढ़ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एनुलर यियल इज लेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ मटेरियल क्योंकि इसके जो बेस से मटेरियल रिमूव uh, हो जाता है इसलिए इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है एंड यहाँ पर सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम वाई सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम की अगर ये ऐसे घूम रहा है ना तो ये वाला पार्ट भी ऐसे ही घूमेगा मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा इसलिए सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम तो यहाँ पर नोट क्या करना है यहां पर कुछ चीजें इफ मोर देन वन गियर्स आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट तो इट इज नोन एज कंपाउंड गियर्स ये हम कंपाउंड गियर्स कहाँ पढ़ेंगे इसका फंडा हम गियर ट्रेन uh, में पढ़ेंगे ओके सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल गियर ऑन सेम शाफ्ट आर इक्वल क्योंकि सेम शाफ्ट पे है शाफ्ट का रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो हर एक इसका एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगा राइट right? जितने भी गियर्स आप उसके ऊपर हज़ारों लगा दो एक ही शाफ्ट पे तो सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा जनरली इन पावर ट्रांसमिशन स्मॉलर बॉडीज़ आर मेड एज ड्राइवर्स जनरली बट साइकिल्स में आप देखेंगे जनरली बोल रहा है मैंने हमेशा नहीं बोला बट साइकिल में आप देखेंगे कि जो आपका ड्रिवन है जिसको आप पैर से घुमाते हैं वहाँ पर जो स्प्रॉकेट होता है वो बड़ा होता है और जो पीछे वाला स्प्रॉकेट होता है छोटा होता है दिस इज ऑल्सो क्या बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन ड्राइव राइट साइकिल में बट वहां पर जो आगे वाला बड़ा होता है और पीछे वाला छोटा होता है ठीक है सो so, ऐसा क्यों होता है जनरली इन पावर ट्रांसमिशन स्मॉलर बॉडीज आर मेड इन ड्राइवर्स बिकॉज अगर आप पावर ट्रांसमिशन देखेंगे ना पावर ट्रांसमिशन पी इज इक्वल टू टॉर्क इन ओमेगा होता है सो so, अगर छोटा है अगर गियर्स जो है वो छोटा है तो उसका ओमेगा ज्यादा होगा राइट सो हाई फॉर स्मॉलर बॉडी सो टॉर्क लो हो जाएगा सो so, मतलब अगर टॉर्क लो लो हो गया तो जो लोड ऑन इंजन है वो कम हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क ठीक है जो या इंजन पे जो टॉर्क जा रहा है तो इसलिए हम जनरली रखते हैं कि जो ड्राइवर होता है उसको छोटा रखते हैं सो इन सम केस बिगर बॉडीज आल्सो मेड एस ड्राइवर मैंने आपको बताया साइकिल तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ कुछ बेसिक फंडे हैं वो याद रखने हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम जनरल गियर टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ेंगे जिसमें हम लॉ ऑफ गियरिंग देन वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पढ़ेंगे ठीक है फिर इन्वॉल्यूड प्रोफाइल भी पढ़ेंगे एंड uh, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे फिर उसके अगले लेक्चर में हम एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूड गियर्यर्यर्यर्स करेंगे ओके सो होपफुली आपको चीज़ समझ में आ रही है टेक केयर एंड